राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी, वो इसी बात को लेकर थी कि भाई एक तो धर्म के नाम से पोलराइजेशन हो रही है, पर देश को बांटा जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, और दूसरा संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उनका इस्तेमाल राजनीतिक लोगों के खिलाफ हो रहा है, चाहे कोई पार्टी है, चाहे कोई जो बोलने वाला है उसके खिलाफ, ईडी है, सीबीआई है और इनकम टैक्स, ये तो इस तरह से आज देश में लोकतंत्र खतरे में है, इस बात को लेके भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी। और उसी कड़ी में ये बात आई थी कि भाई आज से हाथ जोड़ो यात्रा हम जो है लोगों तक जाएंगे, जनहित के मुद्दे जो है वो सड़क से लेके और संसद तक, विधानसभा तक उठाएंगे। और इस लाइन पे ही हमने विधानसभा में ये बात कही थी कि भाई 2 साल से तो गांव में पंचायतें हैं नहीं, झूठे सच्चे केस हाई कोर्ट में डाल के और ये एक साजिश के तहत 2 साल चुनाव टलवाए गए। किस लिए टलवाए गए? ताकि कोई ग्रांट नहीं जाए, कोई सबका साथ सबका विकास, सब झूठी बात। जब 80% हरियाणा गांव में रहता है, गांव में कोई विकास की ईंट लगी नहीं, ये समझे खड़े हैं सारे, पूछो आप सबसे, 2 साल से राय सब सरपंच नहीं है तो विकास की, तो यहाँ एक साजिश के तहत गांव को रोका गया, गांव के विकास को। और उसमें 80% बजट डेवलपमेंट पंचायत विभाग का वो लैप्स हुआ, HRDF का एक पैसा ग्रांट के रूप में जो गांव के लिए जाता है एक पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। और अब एक नई प्रणाली डाल के और सरपंचों को जो है ना जिस ढंग से कमज़ोर करने की साजिश रच रहे हैं, महात्मा गांधी का सपना आज से 100 साल पहले उन्होंने एक बात कही थी कि अगर देश को मजबूत करना है तो गांव की पंचायत मजबूत होंगी तो देश मजबूत होगा, एक फिलोसफी दी थी। उस फिलोसफी को राजीव गांधी ने 73rd अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उस अमेंडमेंट के तहत डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर टू द ग्रास रूट वो किया था भाई, इन तक एक पावर जाएगी, वो पावर 73rd अमेंडमेंट 1992 में आई थी। और अब जिस ढंग से मतलब इनकी जो ताकत थी उसको कमज़ोर करने की एक साजिश हो रही है, गांधी की फिलोसफी के खिलाफ जो है ये सरकार चल रही है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है, और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर जो लाठियां बरसाई गई हैं, मैंने विधानसभा में भी कहा था कि भाई ये लाठियां चाहे कर्मचारियों पर हैं, चाहे किसान पर हैं, चाहे सरपंचों पर हैं, एक एक लाठी जो है वो हरियाणा सरकार के कफन में कील साबित होगी। और ये जो लाठी चार्ज के जो ऑर्डर देने वाले अफसर हैं, रिटायर हो गए चाहे मर भी गए तो कब्र में से निकाल के लाएंगे भाई, किसान के ऊपर कर्मचारी के ऊपर लाठी, संवाद से बात करो आप, प्रजातंत्र है आप, संवाद से निकलेगा। अब जैसे इन्होंने संवाद फिर शुरू किया, लाठी बरसा के शुरू किया है, तो उसका हम कंडम करते हैं, विरोध करते हैं, और हम ई ट्रेंडिंग प्रणाली के खिलाफ हैं।